वोट का क्या मन बनाया चुनाव चले हुए हैं? अभी कोई मन नहीं, अभी कोई मशवरा किसी ने नहीं अभी कोई मशवरा नहीं, अभी कोई मन नहीं, जब जिस दिन इलेक्शन होगा जबकि जब देखी जाएगी। करती हो वोट? चुनाव चल रहा है, पता है चुनाव का? पता क्यों नहीं पता। यहाँ पर भी कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ, यहाँ भी हम चुनाव को लेकर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार जी। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब क्या नाम है आपका? हिसामुद्दीन। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। खाना मजदूरी है। करते हैं। खेती किसानी भी होगी थोड़ी बहुत? खेती हमारे पास खेती नहीं है। चुनाव चल रहे हैं, क्या सोच रहे हो इस बार? हाँ इंशाल्लाह पक्के ज्यादा जाना होगा, मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्या मन बनाया आपने? अभी मुस्लिम मतलब बट रहे हैं या एकलव्य? अभी चल, अभी कोई पता नहीं, जो उजाड़ ऊपर वाला भी चल रहा काम। अच्छा हाँ, हम चल रहा। टाइम तो नजदीक आ गया। हाँ बस बात तैयार टाइम तो बस। तो कुछ तो मूड बनाया होगा? अभी करा कुछ नहीं, अभी कोई मूड। ईद के बाद कह रहे थे कि ईद के बाद सही जो तुम कह रहे हो वो सही कह रहे हैं, बात को बस तैयारी इंशाल्लाह बस बता रहे हैं। अभी थकन ना उतरी है जी। आपका क्या नाम है? नफीस। नफीस जी क्या करते हैं आप? जी मजदूरी कर लेते हैं। मजदूरी कर लेते हैं। तो इस बार क्या देख रहे हो बिजनौर लोकसभा की अगर हम बात करें? जी तुम्हें देंगे वोट और क्या। किसे देंगे? पड़ोस में देंगे। मतलब आप कह रहे हैं हम देंगे, हम तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। देखो और कौन लड़ रहे आपका? तो वो हम तो हमारा काम चैनल आपकी जो वीडियो जो भी आप बोलोगे जनता को दिखाना, हम तो माहौल जान रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे। हाँ तो जहाँ लोग मौका दे देंगे। 17 अभी मतलब कुछ तो मन होगा? मन क्या बड़े बड़े बुल्डो के पीछे रहना पड़ो बताओ। सपा बसपा या यू आर एल डी या बीजेपी? बड़े बड़े आप कहेंगे हमारे। 17 अच्छा जी जी। अभी कोई अभी कोई वो नहीं है। अच्छा अच्छा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद आकिल है जी। तो क्या काम क्या करते हैं आप? थोड़ी सी भैया खेती बाड़ी है की अपना, थोड़े से अपना मेहनत मजदूरी कर ले भैया। और क्या जी सही चल रहा काम? हाँ काम ठीक बढ़िया चल रहा है। चुनाव का क्या चल रहा है माहौल? बस चुनाव का तो भैया ये हमारे गांव में ही कोई आऊ ना रहा है, आधा ये क्या बोलो साइकिल उकिल वाला। अच्छा बस अपना ठाक हो कल है अभी बढ़नी थी क्या बोलो वीडियो वीडियो से ऐसी बढ़नी थी जी। अच्छा तो और बतेरे आदमी थे हमसे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग। किसका किसे बताया? मैंने कहा इतना भी साइकिल कोई देंगे जी साइकिल। अच्छा साइकिल के साथ आप किधर हो? वाह भैया जैसे भी बड़ों का मशवरा होगा ऐसे हम भी क्या नाम उन्हें दे देंगे। तो भी मशवरा कब करोगे चुनाव तो लक्षण होने के बाद कर लेंगे वो तो। अच्छा कुछ बदलाव दिख रहा है यहाँ लोकसभा पर? जैसे पहले तो मलुक नागर थे बसपा से थे और गठबंधन था पिछली बार, तो इस बार भी क्या गठबंधन का ही उम्मीदवार यहाँ जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे आरएलडी का और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, उधर सपा का और कांग्रेस का गठबंधन जो साइकिल वाले आप बता रहे हैं और बसपा से विजेंद्र सिंह लड़ रहे हैं, तो तीनों में से किसकी दिख रही फाइट? हमें तो यहाँ साइकिल का मामला दिखाई दे रहा है जी। आपके यहाँ साइकिल? साइकिल का जी। अच्छा आपका क्या नाम है जी? नरेश। नरेश जी क्या करते हैं आप? दुकान कर रखी। दुकान कहें की दुकान? इलेक्ट्रिक की। सही चलता है काम? हाँ ठीक है। चुनाव में किधर हो? मैं तो बीएसपी की तरफ। बीएसपी की तरफ हो? हाथी के साथ हो आप? तो क्या खासियत देख रहे हैं हाथी में? मुस्लिम धर्म आया होती बढ़िया लगे हैं मुझे। सही अच्छा, अच्छा। मुस्लिम वोट किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा? आधा आधा भी हो सके। आधा आधा भी हो सके आंकड़ा है तो देख। मतलब आधा आधा कहाँ होगा? बीएसपी भी हो सके साइकिल भी हो सके। अच्छा हाथी के साथ भी और साइकिल के साथ भी दोनों तरफ हो सकता है दिखाई दे रहा मतलब आपको? अच्छा अच्छा आप क्या कह रहे हैं जी? तस्लीम अहमद। तस्लीम जी आप क्या करते हैं? ठेकेदारी करता हूँ। कहें कि ये जिला पंचायत में? अच्छा डूडा। अच्छा ग्राम पंचायत। अच्छा ठेकेदार हूँ आप? सही चल रहा है तो काफी लोगों से मिलना चिलना? हाँ काफी क्षेत्र में सारे में सभी जगह मिलना होता है। क्या माहौल चल रहा है? माहौल क्या अभी तो जहाँ जिधर भी पहुँचते इधर मोहद्दीपुर इलाके में पहुँचे और जगह पहुँचे मन अलग क्या रुझान है वो भैया कोई कैंडिडेट नहीं आ पा रहा। अच्छा। ना कोई समाजवादी गा रहा ना कोई भाजपा गा रहा ना बीएसपी गा रहा, वो वोट किसे दे यार बात? अगर कोई कैंडिडेट आ जाए आपके गांव में तो उसे ही वोट दोगे? नहीं समस्या वो नहीं है भाई, एक बार बताऊँ आदमी जब कोई आता है मान सम्मान करता है तो आदमी सोचता है फिर भाई क्या करना किसको सपोर्ट करना, और जब कोई आना है नहीं तो वो तो जैसा वक्त होगा फिर जैसा देखा जाएगा। अभी तक कोई आया? अभी कोई नहीं आ पाया भाई। कोई नहीं, नहीं कोई नहीं आया।
तो क्या मन बनाया, थोड़ा बहुत तो सोचा होगा, वोट तो जरूर करना है? नहीं, वोट तो सपोर्ट करना है। बहुत लंबा क्षेत्र है ये, 1750 गाँव, हर एक गाँव में नहीं पहुँच सकता कैंडिडेट जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतदान तो करोगे? मतदान तो वही, जैसे कह जाएगा कि दानिश्वरों का रास्ता जंगल बताएगा, मैं कौन सा दरख्त हूँ कल फल बताएगा, इस आने वाला वक्त बताएगा किसे सपोर्ट करना किसे नहीं करना। क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए रुझान? क्या भाजपा देखो ही, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अब अगर भाई दलित और मुसलमान अगर एक जगह उस रह जा तो भैया BSP के चांस बन जाते हैं। अच्छा। अब रही समाजवादी का मसला, अब समाजवादी की बात तो यही है, कभी टिकट किसी को दे दे मुसलमान ने भी तरफ गोल नहीं पर कर पा रही, क्या कर जाए कैसे कर जाए, तो झटका लगने वाला है। बस ये अभी कुछ नहीं कह सकता, पहले तो आदमी इस चीज़ को सोच लेता था 10-10 दिन पहले, एक महीना पहले, और अब तो भैया मेरे ख्याल के 4-5 दिन ले रहे इलेक्शन के, अभी कोई भी नहीं पता लग पा रहा। इस पर बात तो ये है, आप भी जैसे घूम रहे हो मुस्लिम किधर दिखाई दे रहा है? नहीं, मुस्लिम भी यही कह रहा है बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं अभी नहीं बढ़ रहा, अभी नहीं, अगर बढ़ता तो भी आपको बताया जाता, बट भी नहीं रहा। तो कहाँ फिर? बस अभी तो ये है कि भैया जैसा वक्त होगा वो जैसे मुझसे मालूम कर लिया कि भाई तुम्हारा रुझान कहाँ है। अच्छा। मगर भाई कोई नहीं मालूम, हम लोगों ने उससे मालूम करा कि तुम्हारा रुझान कहाँ है यार, बस अभी नहीं मालूम। रिश्तेदारों के भी फोन आ रहे हैं? हाँ, पर रिश्तेदारों के फोन तो नहीं कहते, जहाँ सब लोग देंगे वहीं दे देंगे। हालांकि समझ लो अपने जीवन में हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि इलेक्शन की बात समझ नहीं आ पा रही, पहली बार मतलब चुनाव ठंडा दिखाई नहीं दे रहा, ठंडा बिल्कुल, कोई माहौल दिखाई नहीं, ना कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, साइलेंट है इस बार, बिल्कुल साइलेंट है एकदम, हर वोटर साइलेंट है। ठीक है जी, थैंक यू। आपका क्या नाम सर? मोहम्मद सलीम। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? मजदूरी कैसी मतलब? बस यही रोड वाड़े पर काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो चुनाव हो जैसे रुचि रखते हैं चुनाव में कुछ या नहीं? रुचि कुछ नहीं रखते, कुछ नहीं रखते, वोट तो करते होंगे? हाँ वोट करती है। तो क्या सोच रहे हो इस बार? देखते हैं कौन आता है, क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या है अभी देखोगे, मतलब कोई अगर आता है तो आपके गांव में वोट मांगने के लिए तभी सोचोगे जी? हाँ, कि किस कैंडिडेट को किस? हाँ, तो फिर भी कुछ तो आपका मन होगा किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, जैसे सपा है, BSP है, या RLD और BJP का जैसा गठबंधन हुआ? देखते हैं, तो वक्त बताएगा किसको देने किसको नहीं, अभी वक्त रहा ही कहाँ, बस जो 10-5 दिन बाकी है, 10-5 दिन बाद जी हाँ, बुजुर्गों के साथ ही चलोगे? जी हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम आप? मेरा नाम मनसूबा है। मैं क्या करते हैं जी? मैं कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर हूँ आप, तो घूमने फिरने का ही काम हो, लोगों को मतलब मिलना जुलना है ना, गाँव बस्ती में जाना। तो चुनाव का क्या रुख दिखाई दे रहा है इस बार? चुनाव तो हमारे यहाँ तो समाजवादी का है। समाजवादी का किसकी फाइट दिखाई दे रही है समाजवादी से? ये समाजवादी से तो चंदन चौहान जी की सारी फाइट है। अच्छा, जो गठबंधन RLD और BJP, गठबंधन RLD का, उनकी फाइट दिखाई दे रही है ज़्यादा। अच्छा, मुस्लिम इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या एकजुट ही जा रहे हैं? बस ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि 5 विधानसभा है, 1 लोकसभा में, ये तो अलग अलग क्षेत्र की बात है। जैसे हमारे क्षेत्र में समाजवादी का है। कोई गाँव पड़ता है आपका? मेरे गाँव यही पास में है, उर्लापुर की। तो अधिकतर वोट मतलब जी मिस्त्री साहब नाली बना दे जी, बना दे, पानी सही चलेगा, मैं वोट दूंगा BJP को, बस इससे बड़ी बात ना आगे भैया मेरा अंदर बात। क्या नाम है आपका? नाम खुर्शीद है। खुर्शीद जी, वोट तो हाँ अपने मन का ही होता है। मन का होता है, BJP को दूंगा भैया, इसमें लड़ाई दंगा ना आगा। अच्छा जी, इसी वजह से मतलब आप BJP के? हाँ, सुकून है इसमें, बहुत बढ़िया है, और काम भी बढ़िया चला रही है। सीट किसकी निकलती हुई थी? BJP की जी। तो इस वजह से BJP के साथ? हमने तो BJP का भैया आदमी पक्का जी। क्या करते हैं आप? जी मैं मजदूरी करता हूं, बेलदारी जी। तो क्या देख रहे हो चुनाव में इस बार? चुनाव तो BJP का ही है जी, पक्का BJP का ही, क्योंकि सिलेंडर फ्री दे दिया। अच्छा। राशन फ्री दे रही है, और क्या चाहिए मजदूर आदमी को? जैसे 5 किलो राशन मिलता है, 5 किलो राशन मिलता है जी 1 यूनिट में, तो कितने दिन चल जाता है जी? एक आदमी का तो 3-4 दिन तो निकल जाते हैं एक आदमी के। अच्छा। तो 5 आदमी का मिलता, 4 आदमी का, 3 बच्चे रहे, 2 हम रहे। अच्छा। तो 25 किलो मिलता, पूरा महीना निकल जाता जी, पूरा महीना निकल जाए कुछ, इतना एक और मॉल को ले ले, अपना बढ़िया काम चल रहा। अगर मतलब तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे सरकार अगर बदल गई तो राशन बंद कर देगी फिर? जी जी, राशन बंद तो करने की नहीं सरकार, क्योंकि बदलेगी क्यों, हम तो वोट जब BJP को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसलिए क्या नाम के बाद राशन भी मिलता रहा फिर, और सरकार भी हमारी चलती रहे BJP वाले। तो केवल राशन की वजह से ही? राशन की वजह से भी, नरेंद्र मोदी की वजह से भी, बढ़िया आदमी है वह। अच्छा।
चाहे भले से ही निचले आदमी कोई भी देने वाला वोट गलत हो या लेने वाला गलत हो, मगर मालिक तो वही है, वे बढ़िया आदमी है। मजदूरी का तो सही चल रही मजदूरी? हाँ सही चल रही। कुछ कम तो ना है या सही नहीं मिलती मजदूरी? सही मिले, सही मिले जी। चुनाव चल रहे हैं जैसे, कुछ दिखाई माहौल दे रहा है या नहीं? वह हमें तो सही दिखाई दे रहा। किसका दिखाई दे रहा? यही कौन कौन से पार्टी का दिखाई दे रहा? पार्टी का तो हमें तो ऐसा ही दिखाई दे रहा जी। देखो जी, वैसे पार्टी का हिसाब में तो हमें दिखाई नहीं दे रहा अभी कुछ भी। अच्छा अच्छा, पर ये अभी कोई पता नहीं, अभी कोई पता नहीं। तो कुछ तो आपका मन होगा, जैसे किसी को भाई हर इंसान का अपना मन होता, कोई सपा को सपोर्ट करता, हाँ। कोई बसपा को, कोई बीजेपी को, कोई आरएलडी को। बस हम तो पब्लिक के पीछे हैं, जैसा पब्लिक चले गए थी हम चले। तो भी कुछ मशवरा ना? अभी कोई मशवरा, पब्लिक के साथ हूँ जी। पब्लिक का कुछ रुख दिखाई दे रहा है? नहीं, हम अभी कोई रुख नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ राशन लेना है? राशन लेना है। कितना मिलता राशन? राशन जितने हमारे वह हैंगे। कितने? छः हैंगे। एक यूनिट पर कितना मिलता? एक पर 5 किलो मिलता जी। पूरा राशन मिल? पूरा मिल गया, बिल्कुल पूरा। ठीक ठीक है जी, धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? समीमा। तो समीमा जी, राशन लेना ही वहाँ पे जी। वोट का क्या मन बनाया? चुनाव चले हुए हैं जैसे? अभी कोई मन नहीं, अभी कोई मशवरा किसी ने? अभी कोई मशवरा नहीं, अभी कोई मन नहीं। जब जिस दिन इलेक्शन होगा, जबकि जब देखी जाएगी। राशन पूरा मिलता जी? कितना मिलता? 5 किलो। 5 धड़ी मतलब 5 यूनिट है। आप क्या क्या नाम है? क्या काम करती हो? कुछ नहीं। घर का मतलब गृहिणी हो? खाना पीना बनाना? घर से काम भले अपना। वोट डालती हो? करती हो वोट? चुनाव चल रहा है, पता चुनाव का? पता क्यों नहीं पता, लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं जैसे। इस बारे में मुझे ना पता, जानकारी नहीं मतलब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु हसन है। तो क्या मशवरा चल रहा था? बैठे थे आप यहाँ? वैसे ही बैठे थे। वैसे ही बैठे थे? हाँ। चुनाव चल रहा है, कुछ सरगर्मी दिखाई दे रही चुनाव की या नहीं? हम तो चुनाव में कोई दिलचस्पी है नहीं हमें तो। अच्छा हाँ। इस बार कुछ हल्का दिखाई दे रहा है क्या चुनाव? हाँ बस, पता नहीं बताया। हमारे तो पूरे गाँव में कोई खास दिलचस्पी नहीं है चुनाव के। कोई आप भी ना रहे वोट मांगने? ना कोई आया। अच्छा हाँ। तो क्या दिखाई दे रहा माहौल? बस माहौल तो का पता ही नहीं लग रहा, कोई आ नहीं रहा, हम कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, तो आपने फिर भी सोचा तो होगा कुछ वोट तो डालना ही है? बस मशवरा कर लेंगे बैठ कर अपना परिवार में, जैसा होगा आखिर में। तो अभी बस दो तीन दिन ही बचे हैं अब तो? हाँ बस आखिर में, आखिर के दिन मशवरा कर लेंगे अपना भाई, डालना नहीं डालना। नहीं वोट तो डालना चाहिए, डाल लो चाहे कहीं भी। तो कुछ कोई पार्टी है पसंद या नहीं जो चुनाव मैदान में? बस अभी तो फिलहाल वैसे कुछ मामले ऐसे चल रहा, कोई किसी को कह दिया, कोई किसी को। किसकी चल रही चर्चाएं? भैया तो आमतौर से मुसलमान भाजपा को देते नहीं वोट। अच्छा भैया, तो फिर समाजवादी है या बीएसपी है? बीएसपी। तो वोट बट रहा है एकजुट जाता हुए? सही पता नहीं लग पा रही है, कोई लोग चुपचाप बैठे हैं मगर साइलेंट है। साइलेंट। मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर वोट बन गया या नहीं? नहीं अभी नहीं। नहीं बना? नहीं। चर्चाएं चल रही कुछ घर परिवार में? नहीं अभी तो फिलहाल शांति है माहौल। अच्छा जी, मतलब वोट तो डालना जाएंगे? हाँ वोट तो डालेंगे, वो तो है, वोट तो डालना ही है। अभी किसी का वो नहीं चल रहा कि किस पार्टी को देना वोट? नहीं नहीं नहीं, किसी पार्टी का नहीं। आपने जिक्र सुना ही नहीं घर के अंदर? अभी तो कुछ जिक्र भी नहीं हो रहा। जिक्र नहीं हो रहा? अच्छा। मेरा नाम सुमैल है, मोहम्मद सुमैल। क्या करते हैं? मैं लो कर रहा हूँ इस टाइम फिलहाल। क्या कर रहे हो? लो। लो। अच्छा, तो चुनाव में भी दिलचस्पी होगी थोड़ी बहुत? कहाँ इसमें दिलचस्पी, क्या करेंगे दिलचस्पी? लोकसभा के चुनाव में नहीं, अब तो समाजवादी पार्टी भी देना, जिसे भी देना वोट, बस लोकदल को। लोकदल को गठबंधन? अरे गठबंधन भी देंगे, जिसे भी देंगे। एक तो सपा का और कांग्रेस का गठबंधन है, और यहाँ बीजेपी का और आरएलडी का भी गठबंधन है। बस जिसके भी गठबंधन देखेगा उसे देगा, बहन तो घर वाले से है ना। अभी घर वालों ने कोई मशवरा है? अभी कोई मशवरा कुछ नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख समीम अहमद है। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती किसान नहीं करते हैं? किसानों के सामने कुछ समस्याएं दिखाई देती हैं या सब कुछ बढ़िया चल रहा है? समस्या तो बहुत है। क्या मैं उसको
जैसे कि अभी गन्ने के दाम उनकी अच्छा फसलों के दाम कम, मतलब जो गन्ने का दाम है वो कम है जी। और दूसरी समस्या छुट्टा पशुओं की भी है आपके यहाँ या कम है? ये तो पूरे भारत की है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपके क्षेत्र में गौशाला बन गई हो और वहाँ जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं वहाँ बंद हो जाते हो, फसलों का नुकसान कम? गौशाला भी बनी है लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी मतलब फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं समस्या। चुनाव चल रहे हैं, क्या सोच रहे हो चुनाव? चुनाव तो वोट डालेंगे अपना ना, वोट तो डाल लोगे। किसका माहौल दिखाई दे रहा? माहौल तो किसी का ना दिखाई दे रहा, किसी का ना दिखाई दे रहा। हाँ हाँ, मुस्लिम क्या हो रहा है इस बार, बटता हुआ दिखाई दे रहा है या एकजुट जा रहा है? अरे बट रहा है, अभी बट रहा है मुस्लिम इस बार। हाँ, कहाँ कहाँ बट रहा है भाई? तो सभी जगह बट दिखाई दे रहा है। बीजेपी और आरएलडी के साथ भी जा रहे हैं या केवल सपा और बसपा के साथ? अरे वहाँ भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। हाँ, आपके यहाँ क्या स्थिति है? जैसा आप भी घूम रहे होंगे गांव में, परिवार में रिश्तेदारों से भी फोन आ रहे होंगे, तो क्या विचार बना रहे हैं भाई? यहाँ भी ऐसी भिन्न भिन्न बातें हो रही। किसकी ज़्यादा हो रही? साइकिल की भी हो रही, हाथी की भी हो रही। अच्छा, और होल तो है नाम है सीट पर। अच्छा, हाँ, आरएलडी ने गठबंधन। हाँ, तो नल की भी बात हो रही। अच्छा, हाँ नल के साथ भी है मतलब जी। तो आप किधर हो? मैं तो साइकिल पर हूँ जी। साइकिल के साथ हूँ आप? हाँ, हाँ। अच्छा, तो इसमें मतलब कौन सी सीट दिखाई दे रही है यहाँ से निकलती हुई? बजे सैनी समाज में अगर साइकिल पर आ गया तो वो साइकिल निकल जाएगी। अच्छा, हाँ मुस्लिम का वोट पड़ जाएगा एकजुट होकर? हम उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन भाई अब 100% तो कहीं ना जाता ना, जैसा आप बता रहे हैं कि बसपा के साथ भी हैं। हाँ, नल है बसपा के साथ भी, लेकिन तादाद साइकिल के साथ हो। अच्छा अच्छा, अधिकतर जो हो वो साइकिल के साथ। हाँ, और पिता कैसे हो? बढ़िया जी। क्या करते हो? टायर पंचर का काम है जी। टायर पंचर का सही चल रहा काम? हाँ बस हल्का फुल्का चलते रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं? हाँ जी चल रही। किसकी चल रही भैया? यहाँ तो सभी आ रहे हैं। सभी आ रहे हैं जी। तुम किधर हो? भाजी अभी आप अभी तो आपको इधर बता सकते हैं, हम अभी माहौल देखेंगे जी। तो किसका दिखाई दे रहा माहौल या ना अभी? भाजी अभी तो जोर साइकिल का दिखाई दे रही। हाँ साइकिल का? हाँ साइकिल की। किसके साथ है टक्कर? भाजी टक्कर इसकी वाजपेयी साथ ही नल की साथ जी। अच्छा, इन दोनों में रहेगी फाइट? में रहेगी फाइट। अब कच्छे लोग कुछ मुद्दे भी ना सोच रहे हैं शायद, कोई मुद्दे पर कर रहे हैं क्या? क्या सोच के? अच्छा, हाँ देखे आगे जाओगा साहब, चाह देना देने देने नहीं। साइकिल निकल रही? बस साइकिल कोई पक्का चांस ना बता सकता मैं। पक्का चांस ना? पक्का नहीं बताना का। अच्छा, सरकार जो बनेगी उसकी बनेगी। इसकी भाजपा की कितने टक्का लगा लियो? अच्छा, हाँ ये लोग धोखा देते हैं मुसलमान लोग, निकल लिया वो निकल लिया, मैं मानता नहीं हूँ। मुस्लिम इस बार एकजुट दिखाई दे रहा है या बट रहा जी? वैसे तो बट क्या रहा है, मुझे जगह दिखाई देगा जहाँ भी जाओगे पड़ोगा पड़ना एक लब भाई पड़ोगा जहाँ भी पड़ोगा। किसकी इसकी मान या मत मानना कोई इसकी मजबूत कुछ एक समझ साहब। तो साइकिल का चांस? हाँ साइकिल के साथ साइकिल। ठीक ठीक है, धन्यवाद।